इट वॉज अमेजिंग. आज जो देखने को मिला पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा इससे पहले. जिस तरह से मोदी जी के कहने पर, मोदी जी के आग्रह पर पूरा देश यूनाइट हो गया, पूरा भारत यूनाइट हो गया, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरे हिंदुस्तान में गूंज जो आज कोरोना वायरस के खिलाफ बजी है, और उन लोगों को एक तह दिल से थैंक यू कहते हुए जो हमारे सोल्जर्स अगेंस्ट कोरोना रहे हैं, जो अपने जीवन को रिस्क में डालते हुए इस देश को और देशवासियों को बचाने के लिए बाहर निकले हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स हों या नर्सेज हों, ऑल द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग अस इमरजेंसी सर्विसेज इन दीज टाइम्स ऑफ डेस्परेट नीड एंड फाइट अगेंस्ट दिस डेडली वायरस, वी सल्यूट यू. यू मेक अस प्राउड टू बी इंडियन एंड थैंक यू मोदी जी. दिस वॉज ट्रूली समथिंग अमेजिंग. आई थिंक हम सभी के बच्चों को ये दिन हमेशा के लिए याद रहेगा. जय हिंद. I, along with all the countrymen, applaud the efforts of all the doctors, the police personnel, all the people working in the essential services for putting their life at risk, giving their valuable time for the safety of all the Indians. Thank you. Accept our gratitude. Hello friends, my name is Khushi Taneja. I'm a career counselor in MK Food. होम बेस्ड फूड रिश्ते अभी. मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूँ. मुझे मालूम है पूरे दिन घर पे बैठना मुश्किल है, बट हम एक दिन निकाल सकते हैं. पर हमें 25 तारीख तक लॉकआउट होने के लिए कहा गया है, तो हम कृपया करके ना बाहर निकल कर घर पर ही चीज़ों पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा. हमारी गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है जो हमें सपोर्ट नहीं होगा. गवर्नमेंट को आप कुछ भी क्लेम करने से पहले एक बार सोचिएगा कि गवर्नमेंट इतनी बुरी तरह से काम कर रही है कि हमें कोरोना वायरस को ठीक होने के बाद उनको रेस्ट के लिए भेजना चाहिए कुछ टाइम के लिए. सो कृपया करके पैनिक मत होइए. मैं जानती हूँ कि सूरत में एक केस ऑलरेडी हो चुका है, उससे डेथ हो गई है, पर गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया है. ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया है, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया है. थोड़े डिस्टेंस में हमें रह के बात करनी है, हैंडकरचीफ्स यूज़ करना है, ड्यूरिंग आप जितना हो सके हर एक घंटे में सैनिटाइजर से अपने हैंड वॉश कीजिए. ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी. बस कुछ बातों का ध्यान रखिए, पैनिक मत होइए. जितना जल्दी हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा. ये वीडियो मैं घर पे ही बैठ के बना रही हूँ, सो आप ऐसी कोशिश मत कीजिए कि बाहर जाके वीडियोस बनाएं. बहुत मज़े आएंगे, बाहर जाके देखिए क्या हो रहा है बाहर. ऐसी कोशिश मत कीजिए. गवर्नमेंट को जो काम करना है वो करने दीजिए. और यस, मोदी जी ने जो स्टेप लिया है वो बहुत ही बेस्ट स्टेप लिया है. बहुत मुश्किलें हैं, डिफ़िकल्टीज आएंगी, बट वो बहुत जल्दी सॉल्व भी हो रही है. डैट इज़ फॉर आवर सेल्फ, आवर फैमिली. थैंक यू सो मच. बाय बाय.